चलो मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सारे बच्चों को। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए बच्चे, जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। और सारे लोग आ जाइए बेटा, ठीक है? जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, आ जाइए। हम लोग प्रदूषण पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है? और हमने जल प्रदूषण भी पढ़ लिया था बेटा, और सॉयल प्रदूषण वगैरह भी पढ़ लिया था हमने। बच्चे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया था। और जल्द ही बच्चे एक और क्वेश्चन आवर हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है बच्चे। और बेटा जो कल का पॉलिटी क्लास होगा उसमें बच्चे जो आईएएस में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व कराऊंगा कल बच्चे। करीब 16-17 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप भी आंसर दे सकते हो बेटा। कल मैं वो क्वेश्चन 15-16 जो भी आया था वो मैं कल सॉल्व कराऊंगा। और आप एकदम से तैयार रहो बच्चे, वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। और हमने कहा था बच्चे कि मैं पॉलिटी में इतना स्मार्ट तुम्हें बना दूंगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। बस बच्चे आपको रेगुलर पढ़ना होगा और हर चीजों को समझना पड़ता है बेटा, ठीक है? कई बच्चों ने एग्जाम दिया था, बहुत ही हैप्पी थे सर की पॉलिटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया था बेटा वो उन्होंने किया। कुछ क्वेश्चन बेटा इकोनॉमिक्स से भी आया था, उसको भी उन्होंने किया था। इकोनॉमिक्स में मैंने बजट डाला था बेटा, ठीक है? और गरीबी मैंने वहाँ शुरू किया था। जल्दी वहाँ पर और भी वीडियो डाल दूंगा बेटा। लेकिन बच्चे एक चीज़ याद रखना कि जब बड़े लेवल के हमारे एग्ज़ाम जो होते हैं और जब वहाँ से सर क्वेश्चन सही होता है, पर्यावरण से ही देख लेना बेटा, वहाँ से भी CO2 वगैरह से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जब चीज़ें किया जाता है ना बेटा और जब क्वेश्चन सही होता है तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे बच्चे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया सामने तो फिर बच्चे को लगा यार हाँ ये चीज़ें आती हैं। और जब आदमी कभी पढ़ेगा ही नहीं बेटा तब उसको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो कल पक्का है बच्चे मॉर्निंग में जो 9 बजे होगा आप आंसर दोगे। और मैं जानता हूं कि बच्चे जितने भी बच्चे रेगुलर पॉलिटी पढ़ रहे हो, लगभग 40-45-50 वीडियो के करीब मैंने जो डाला है, अगर इसे कायदे से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है? एक आध क्वेश्चन इरर होते हैं। कारण क्या होता है कि आपको पता है बड़े एग्जाम में मोर देन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ जाते, और अभी तक मैंने मोर देन ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको कराए भी नहीं है। लेकिन बच्चे मैं गारंटी लेता हूं कि 95% क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो चलो कल मिलेंगे बच्चे और देखते हैं किस बच्चे में कितना दम है और वो पॉलिटी का क्वेश्चन करता है। तो आओ बच्चे, आज जो हमारा नया टॉपिक होगा बेटा वो होगा बच्चे मैरीन पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन होगा? मैरीन पोल्यूशन होगा बच्चे, मैरीन पोल्यूशन बेटा, ठीक है? महासागरीय प्रदूषण, महासागरीय प्रदूषण बेटा, ठीक है? महासागरीय प्रदूषण बेटा, ठीक है? महासागरीय प्रदूषण क्लियर हो जाएगा। आपको ही पता है बच्चे कि हमारा जो महासागर है ये नेचुरल रिसोर्सेस का सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्लियर हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस का सबसे बड़ा क्षेत्र है बेटा। एक दिन आपको याद होगा बच्चे जब मैं बेस्टिस के बारे में आपको पढ़ा रहा था, याद होगा कुछ बच्चों को, जब बेस्टिस के बारे में मैं आपको बता रहा था तो मैंने कहा था कि जो बच्चे अवशिष्ट होता है, ठीक है, अपशिष्ट होता है, उसे आप नाली में छोड़ देते हो, यानी गंदगी बेटा। और आपको यह भी कहा था कि ये जो नाली होती है सर ये बड़ी नाली से कनेक्ट होती है। क्लियर हो जाएगा, और ये जो बड़ी नाली होती है बेटा ये नदियों से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? और जो नदियां हैं सर आपको पता है सर इनका तो अंतिम जो स्थल होता है वो सारा का सारा महासागर ही तो होता है। तो अगर यहां पर गंदगी आपने डाली तो ये गंदगी यहां पहुंचेगी बेटा। क्लियर हो जाएगा, और कुछ ऐसे वेस्टेज है बेटा जिन्हें हम रिसाइकिल तो कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा था पॉलीमर बेटा, क्या कहा था? पॉलीमर कहा था। और पॉलीमर जो होता है बच्चे इसी को तो आप लोग पॉलीथीन बोलते थे। अब अगर पॉलीथीन आपने बच्चे नाली में डाला और ये बड़ी नाली में पहुंचा, बड़ी नाली से बच्चे नदियों में पहुंचा, तो हर जगह तो प्रदूषण फैला रहा है सर। और ये नदियों से बच्चे कहां चला जाएगा? महासागर में चला जाएगा। तो महासागर में भी तो इसे न
नष्ट नहीं किया जा सकता सर, तो बताओ महासागर हमारा पोल्यूटेड हो जाएगा ना, और जब यहाँ पोल्यूशन होगा सर, और फिर हम बेटा जब यहाँ के रिसोर्सेस का दोहन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे बच्चे, तो वो चीज़ जो हम प्रयोग में लाएंगे तो आपको पता है नुकसान होगा ही होगा। फिर बेटा जितने भी महासागरीय जीव होते हैं बेटा, ठीक है, और जितने भी महासागरीय बच्चे वनस्पतियां होती हैं, इन वनस्पतियों का भी क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो जो महासागर के बच्चे जीव होंगे, जो छोटे छोटे जीव पर निर्भर रहते हैं और बच्चे वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं, उनके क्षेत्र में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी बच्चे। कर तो सारा का सारा इंसान ही रहा है ना बेटा, और यहीं से तो शुरू होता है, और ये नाली बनी होती है सारे बच्चों के घरों में बेटा, हाउसेस में बनी होती है। तो हम रिस्पॉन्सिबल है प्रदूषण के बेटा, चाहे जितना कोई कुछ भय। इसीलिए मैं कहता रहता हूं बेटा कि मनुष्य अपने विनाश का कारण स्वयं बनेगा, मनुष्य अपने विनाश का कारण स्वयं बनेगा बच्चे, ठीक है। तो इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, और आप सारे बच्चे इवनिंग की ऑनलाइन चाय पी सकते हो। चलो हम लोग शुरू करते हैं बच्चे टॉपिक। पहला पॉइंट लिखिएगा बच्चे, ओशियन आर ए बिग रिसोर्स। ठीक है बच्चे, महासागर संसाधन का सबसे बड़ा बच्चे, महासागर एक महासागर एक बड़ा संसाधन क्षेत्र है बच्चे, ठीक है, या महासागर एक बड़े संसाधन होते हैं, महासागर एक बड़े संसाधन होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है सर। रिसोर्स का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, और बच्चे नेचुरल होते हैं बच्चे, तो इसे आप क्या लगाओगे बच्चे, आप लगाओगे कि महासागर, ओशियन बेटा, ठीक है बच्चे। अगला है बच्चे, महासागर में ही बेटा पेट्रोलियम, एल्गी, मछलियां बेटा है ना, डिफरेंट टाइप लिख देना मछलियां बच्चे, नमक, साल्ट, ये सारे रिसोर्सेस होते हैं हमारे कहाँ बच्चे, आपके महासागर में बेटा, ठीक है। और आप देखते हो बच्चे कि पेट्रोलियम और नमक एक ऐसा बच्चे रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल हमारे जीवन में हर समय है बच्चे, और हर वक्त लगता रहता है बेटा, ठीक है, हर समय है और हर है बच्चे, ठीक है। वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है बच्चे, साल्ट होता है, एल्गी होता है, यहां पर बच्चे सी फूड लिख देना, ठीक है बच्चे। और डिफरेंट टाइप की फिशेस पाई जाती है बच्चे, विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, और साल्ट पाया जाता है बच्चे, ठीक है, विभिन्न प्रकार की मछलियां भी और साल्ट भी पाया जाता है बच्चे। आज प्रदूषण के कारण क्या है बच्चे, अभी कुछ दिन पहले सर क्या कहते हैं, व्हेल नामक एक मछली को देखा गया था बच्चे, कुछ कछुओं को देखा गया था। तो जो हम प्लास्टिक बच्चे ना डस्ट को डाल रहे हैं महासागर में, तो अभी बच्चे व्हेल मछली का जब पेट फाड़ा गया तो उसमें से सर इतने प्लास्टिक के पार्टिकल्स निकले थे बच्चे कि उसकी पूरी आंत वात एकदम से उसी में जकड़ चुकी थी बेटा। एक कछुए को देखा गया था बच्चे, उसके चेहरे पर लिपट गया था, और इससे श्वसन में उसको दिक्कत हुई
बेटा, इसके गल्फ फंड के बेटा फेफड़े वगैरह जो होते हैं इनमें बच्चे चिपक जाता है, तो सांस लेने में इन जीवों को क्या होती है, बीमारी होती है, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण बेटा मृत्यु हो जाती है बच्चे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, महासागरीय संसाधनों का दोहन इस समय बिग चैलेंज बन चुका है बच्चे। अगला पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा, महासागरीय संसाधनों का दोहन करना, महासागरीय संसाधनों का दोहन करना प्रत्येक देश के लिए एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, और समस्या का कारण क्या है, प्रदूषण है बेटा। ठीक है, प्रदूषण है, नोट कर लीजिएगा बच्चे। यूटिलाइजेशन ऑफ मैरीन रिसोर्सेज, लिख लिया होगा बच्चे। फिर इसी में सर और भी कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर इसको समझाते हैं बच्चे। अगला पॉइंट लिखिएगा बच्चे, महासागरों के दोहन के समय बेटा ठीक है, अनेक प्रदूषण इसमें मिल जाते हैं, प्रदूषण इसमें मिल जाते हैं बच्चे। किसमें मिल जाते हैं, महासागर में मिल जाते हैं बेटा, मिल जाते हैं, जो कि फ्लोरा और फोना बेटा ठीक है, फ्लोरा और फोना को प्रभावित करता है। ये जंतु के लिए इस्तेमाल होता है नाम, और ये वनस्पति के लिए नाम इस्तेमाल होता है। नोट कर लीजिएगा बच्चे, जीवों के लिए फोना और वनस्पति के लिए फ्लोरा बेटा। ठीक है, चलो अगला होगा बच्चे कारण, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। कारण पहला, ऑयल स्पिल, तेल का रिसाव, तेल का क्या होता है बेटा, रिसाव होता है। ठीक है बच्चे, लिखिएगा पहला पॉइंट, अधिकतम तेल का भंडार कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कोस्टल
कोस्टल एरिया बेटा, ठीक है। अधिकतम तेल का भंडार बेटा कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है बच्चे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं सर, इस तेल का लिख देना बच्चे, जब हम इसका खनन करते हैं, जब हम इसका क्या करते हैं बच्चे, इसको निकालते हैं बेटा तटीय क्षेत्रों से, खनन करते हैं या खनन करते समय अथवा खनन करते समय, इसी में एक पॉइंट और बढ़ा लेना, खनन करते समय अथवा बच्चे ठीक है, अथवा तेल का परिवहन करते समय, अथवा तेल का परिवहन करते समय इसमें रिसाव होता है, रिसाव होता है बच्चे, तो यहां पर बच्चे बिग प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, ठीक है। तेल के रिसाव की समस्या, ऐसे लिख दो, रिसाव की समस्या प्रमुख कारण है, समस्या प्रमुख कारण है। इस लाइन को पढ़ो बेटा, ठीक है, इन दोनों लाइन को आप पढ़िए और बताइए ये दोनों लाइन आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फिर मैं इसे फिगर पर समझा दूं बेटा, ठीक है। दोनों लाइन को ध्यान से पढ़ो बच्चे और बताओ, दोनों लाइन को पढ़ो और बताओ बच्चे कि ये समझ में आई दोनों लाइन, फिर मैं समझाऊंगा, पहले आप समझ लो। वायल स्पिल बच्चे, जो सागर में बच्चे क्या है, प्रदूषण का प्रमुख कारण है, प्रमुख काज है बेटा, और इसमें क्या होता है सर, अधिकतम तेल भंडार जो बच्चे महासागर में होते हैं, कोस्टल एरिया में होते हैं, यानी कि बच्चे तटीय क्षेत्र पर पाए जाते हैं, और जब हम इसका खनन करते हैं और बच्चे जब हम इसका परिवहन करते हैं बेटा, तो उस समय रिसाव की समस्या बन जाती है कभी कभी, जिसका प्रमुख कारण है बेटा कि महासागर में प्रदूषण फैलना, महासागर में क्या प्रदूषण। अभी मैंने बताया था ना बच्चे, ऑयल स्पिल वाला बारबोरा, ठीक है, ये रूस में भी अभी हुआ था 2020 में, मॉरिशस में भी रेल तेल रिसाव के कारण, यूएसए में बेटा सांता बारबारा, मैंने बताया था कि अमेरिका में सांता बारबारा में जब ऑयल स्पिल हुआ था तो करीब 10,000 से ज़्यादा पक्षियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी बच्चे। अब यहाँ पर हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे कि महासागर में ऑयल स्पिल का क्या प्रभाव होता है। ये दोनों पॉइंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पक्का है, डन कर देना सारे। अगर बच्चे यहां पर मैं फिगर में समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसी में हम बच्चे फिगर पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक पॉइंट समझना है, आसानी से आपको पकड़ में आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा तटीय क्षेत्र बेटा, है ना, जैसे मान लो ये कोई देश है बच्चे, इसका ये पार्ट हो गया, यहां पर वनस्पतियां लगी हुई हैं बच्चे, ठीक है, और ये बच्चे इसका तटीय क्षेत्र हो गया, क्या हो गया बच्चे, तटीय क्षेत्र हो गया, क्लियर हो जाएगा। अब भाई हमने कहा है तटीय क्षेत्र पर ही तो निकलेगा, अब बॉम्बे हाई को ले लिया जाए बच्चे, अब जैसे ये देखिए सर भारत देश है और यहाँ पर बॉम्बे हाई है बच्चे और ये मुंबई में है, क्लियर हो जाएगा, तो ये तटीय क्षेत्र तो ही हो गया खंभात खाड़ी के नीचे बेटा। अब यहाँ पर सर क्या हुआ कि भारत देश में नहीं बच्चे, यहाँ पर बेटा एक हमें तेल की मांग मिल गई बच्चे, खनन वाला क्षेत्र मिल गया, यहां पर देखा कि इतने एरिया में जो सागरीय क्षेत्र था बेटा, यहां पर हम लार्ज मात्रा में क्या छुपा हुआ है, तेल है बेटा। अब इस तेल का ये देश बच्चे, जिस देश के किनारे होगा वो इसका क्या करेगा, दोहन करेगा, तो तेल क्षेत्र अभी मिला, और बच्चे यहाँ पर जितने भी जलीय जीव रहते वो आसानी से रह रहे थे, हमें पता चला रिसर्च में, तो हम इसका माइनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, डन है सर, तेल का खनन करेंगे, और जब तेल का खनन करोगे क्या करने के लिए, इसका दोहन करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए बच्चे, तो यहाँ पर देखो बच्चे, जब मान लो हम तेल का क्या कर रहे थे, खनन कर रहे थे,
तेल का क्या कर रहे थे, खनन कर रहे थे, पता लगा कोई प्रॉब्लम आ गई बच्चे और यहाँ पर रिसाव हो गया, दोहन कर रहे थे और तेल का क्या हुआ, रिसाव हुआ, तो ये तेल यहाँ आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा, आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा। और जो महासागर का पानी होता आपको पता है सर खारा होता है, और खारा पानी गंदा पानी होता है, और गंदे पानी का जो वेट होता है, जो भार होता है, आपको पता है सर वो गंदे खारे पानी का भार अधिक होता है, ठीक है सर। अब अधिक होता है तो आपने एक बच्चे टॉपिक पढ़ते हो फिजिक्स में जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, हमने कहा था बच्चे कि दो प्रकार का पानी होता है, या तो पानी साफ होगा या तो पानी क्या होगा, गंदा होगा बेटा, ठीक है, या तो बच्चे पानी गर्म होगा या तो पानी क्या होगा, ठंडा होगा बेटा। ठंडा पानी बच्चे क्या होता है, गंदा होता है, और गर्म पानी क्या होता है, साफ होता है। जब पानी गर्म कर दोगे तो जितने भी वायरस बैक्टीरिया होंगे वो उनकी सारी की सारी डेथ हो जाएगी, तो पानी क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और आप भी पता है बच्चे कि ठंडी जब होती है तो हम सिकुड़ के बैठे रहते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो जो ठंडा पानी होता है सर एक गंदा माना जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और इसका जो भार होगा बेटा ये भार ज़्यादा होगा, और इसका जो वेट होगा यानी कि इसका भार क्या होगा, कम होगा बेटा, ठीक है। और आपको भी पता है सर कि पानी को साफ करने के लिए हम उसमें बच्चे क्या करते हैं, एक दिन मैंने आपको बताया था कि मच्छर वगैरह अगर नालियों में जा रहे, जैसे ये आपके घर की नाली है बेटा, अब यहाँ पर सारे के सारे डस्ट ही तो हैं, अब ये डस्ट है तो पानी क्या हो गया, जल्दी बोलो, गंदा हो गया, तो यहाँ के पानी का भार बढ़ गया, यहीं पर बच्चे एक पहुँचा मॉस्किटो जिसका नाम मच्छर था, मच्छर ने अपना लार्वा दे दिया बेटा, अब यहाँ पर लार्वा देता चला गया, क्योंकि लार्वा की अपेक्षा बच्चे पानी का भार ज्यादा था, क्लियर हो जाएगा, और भार ज्यादा के कारण लार्वा नहीं डूबा। फिर क्या किया सर आप लोगों ने, इसका सरफेस टेंशन, ठीक है बेटा, अब यहां पर कम साफ है पानी, बच्चे गम है, यहां टेंशन ज्यादा है, यहां टेंशन क्या है, कम है। अरे भाई मैं तुम्हें जहर वाला पानी दे दूंगा तो आपका टेंशन बढ़ जाएगा, और मैं तुम्हें बच्चे स्वच्छ पानी दे दूंगा तो आपका टेंशन कम हो जाएगा। ठंडी ज्यादा लगेगा टेंशन बढ़ गया, गर्मी ज्यादा लगा तो भी टेंशन बढ़ गया बेटा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या है सर कि जब देखा मच्छर की संख्या ज्यादा थी तो इसमें क्या डाल दिया गया, केरोसिन डाल दिया गया, जब केरोसिन डाला गया तो पानी बच्चे गंदा से क्या हो गया, साफ हो गया, साफ हो गया तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, टेंशन कम हो जाएगा बच्चे। जब बच्चे पानी साफ होगा और पानी गर्म होगा तो इसका फैलाव ज्यादा होगा बेटा, ठीक है, और जब फैलाव ज्यादा होगा तो यहां पानी का जब फैलाव ज्यादा हो जाएगा भार भी कम हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा। तो ये जो लार्वा है ना सर ये पानी में डूब जाएगा, ठीक है। बच्चे पानी को साफ करने के लिए केरोसिन का प्रयोग करते हैं, अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं, ये सब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप बताओ यार यहाँ केरोसिन पड़ने के बाद ये जो लार्वा था मच्छर का लार्वा बच्चे पर सरफेस टेंशन के कारण चौड़िया गया, पानी फैल गया, तो ये लार्वा इसमें डूबा कि नहीं डूबा, डन है डूब जाएगा सर। तो जितने भी यहां पर जीव होंगे सर वो सारे के सारे जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो सेम यही रूल तो यहां पर भी लागू है बेटा, अगर यहां पर भी सर ध्यान से देखो, वायल स्पिल होगी, तेल मिलेगा तो भार पानी का हल्का हो जाएगा, और जो भी यहां आसपास के जीव होंगे बेटा वो पानी में डूब जाएंगे, और डूबने के कारण उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी बच्चे। फिर दूसरा चीज देखिए बच्चे, तेल के कारण बच्चे वहां पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो कुछ जंतुओं को सांस लेने में भी दिक्कत होगी, सफोगेशन हो जाएगा, जिसके कारण उन जीवों की मृत्यु हो जाएगी। तो ये बच्चे नुकसान ही तो जीव को कर रहा था। पता लगा सर हम यहां से तेल बच्चे निकाले थे और हमें तेल का परिवहन करना था बेटा, एक जहाज थी बच्चे, जहाज पे हमने तेल ला दिया, जहाज तेल लेकर जा रहा था, और यहां पर बच्चे जब
जहाज पहुंची तो जहाज में कोई दिक्कत आ गई, जहाज डूब गई बेटा, या बच्ची जहाज का जो टैंकर था ये फट गया तो यहां पर तेल रिसाव हो गया सर, तो इसके आसपास के जितने जीव होंगे वो सागर में क्या हो जाएंगे, सब डूब जाएंगे बच्चों, डूबने से उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी बच्चे, ये कंडीशन होती है बेटा, ठीक है, जो मैंने टैगलाइन लिखाई थी, ठीक है बच्चे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चे, मान लो जहाज डूब गया तो वायल स्पिल होगी, तेल का रिसाव होगा, और तेल का रिसाव होगा तो ऑक्सीजन में कमी आएगी बच्चे, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन में कमी आएगी बच्चे तो आपको पता है बेटा जितने भी जीव होंगे उनकी क्या होने लगेगी, जो बच्चे जीव होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि सर पानी में जहाज डूबा या खनन में बच्चे वायल स्पिल हुई, ऑक्सीजन की कमी आई, जीव में आई, और जो ड्रिंकिंग वाटर होगा, जो पानी होगा, ये पानी भी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा सर, ठीक है, जो पानी होगा ये भी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा बच्चे, ठीक है, और प्रदूषण के कारण बेटा आपको पता है सर यहां पर जितने भी हजारों जीव जो होंगे बच्चे उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर सर देखो ये भी तो मनुष्य ही कर रहा है, और फिर सर अभी मैं प्लास्टिक वाला भी बता देता हूं, ये तो वायल स्पिल वाला हो गया, सारे बच्चे एक तरफ से डन करो, समझ में आया कि नहीं आया, केस लिखना चाहो तो लिख लो बच्चे, यहां पर वायल स्पिल में शांता बारवारा यूएसए में हुआ था, और अभी 2020 में रूस में हुआ है, मॉरिशस में हुआ है, ठीक है बच्चे, ये 2020 का केस था देख लेना, और ये 1969 का केस था, यहां पर वायल स्पिल हुआ है बेटा जिसके कारण हजारों जीव मारे गए थे, तभी से इसे बच्चे एक प्रदूषण का कारण माना जाने लगा। ठीक है बच्चे, कोई डाउट मुझे लगता है यहां पर नहीं होगा, बस वही सरफेस टेंशन वाला बच्चे चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना बेटा, वहीं पर आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, ठीक है, इसीलिए बच्चे कहा जाता है कि गर्म पानी का प्रयोग किया जाए तो उसमें बच्चे वायरस बैक्टीरिया की क्या होती है, कमी, उनकी डेथ हो जाती है बच्चे टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि हर जीव को बच्चे अपने अपने टेम्परेचर में रहने की क्या होती है, आदत होती है सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चे, इसका दूसरा देखिएगा, प्लास्टिक पैचेस, प्लास्टिक पैचेस होगा बच्चे, है ना, प्लास्टिक पैचेस इन ओशियन बेटा, ठीक है, महासागरों में प्लास्टिक का संग्रहण, महासागरों में प्लास्टिक संग्रहण, महासागरों में प्लास्टिक का संग्रहण बेटा, ठीक है, आज प्रत्येक देश में पॉलीथीन का उत्पादन होता है, पॉलीथीन का उत्पादन, हालांकि पॉलीथीन बैन करने वाला विश्व का पहला देश बना था बच्चे बांग्लादेश, है ना बेटा, और भारत का जो पहला राज्य बना था वो हिमाचल प्रदेश था, सारे बच्चों को बता चुका हूं, और पूर्णतया प्लास्टिक के प्रत्येक बच्चे क्षेत्र में बैन करने वाला भारत का पहला राज्य बना था बच्चे, जिसका नाम क्या था, सिक्किम था बेटा। यहां पर आइसक्रीम भी बच्चे क्या कहते हैं, पेपर में उसमें लाया जाता है बच्चे, लकड़ी पेड़ के पत्तों में बेटा, ठीक है, यानी कोई भी प्लास्टिक बच्चे आइटम आपको यहां पर नहीं मिलेगा, और प्लास्टिक पन्नी पर बैन लगाने वाला भारत
भारत का पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश, विश्व में प्लास्टिक को बैन करने वाला पहला बच्चे देश था बांग्लादेश बेटा, ठीक है। इसको लिख लो बच्चे, क्या हुआ, ठीक है। कुछ प्रमुख देश हैं बच्चे, जरा यहां पर लिखना, आसियान से संबंधित ये देश हैं बच्चे, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, चाइना, दो तीन पांच, फिलीपींस, थाईलैंड, ठीक है बच्चे, ये सात हो गए बेटा, ठीक है। श्रीलंका हो गया, फिलीपींस हो गया बच्चे, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, और बच्चे कौन सा हो गया, चाइना हो गया बेटा, ठीक है। प्लास्टिक का उत्पादन सर्वाधिक करते हैं बेटा ये लोग, और यहीं से प्लास्टिक, यहीं से प्लास्टिक बच्चे कहां पहुंच रही है, महासागरों में पहुंच रही है। महासागरों में पहुंच रही है बेटा, ठीक है। श्रीलंका है बच्चे, कारण क्या है सर, ये सारे के सारे ऐसे देश है बच्चे जो भारत से भी है बेटा, ठीक है, भारत से भी है, लेकिन ये प्रमुख राष्ट्र है बेटा जो सर्वाधिक प्लास्टिक का उत्पादन कर बच्चे ये अपना प्लास्टिक बच्चे महासागरों तक पहुंचा देते हैं बेटा, ठीक है। और बच्चे यही प्लास्टिक पहले इसको ऐसे लिख लीजिएगा बच्चे, कैनाल में भी जाता है, यानी नहर, नहरों में भी जाता है बच्चे, और यही रिवर में भी जाता है, और नदियों के रास्ते से बच्चे ये आपको पता है कहां पहुंच जाता है, महासागरों में पहुंच जाता है बेटा, ठीक है। कहां से पहुंच जाता है, महासागरों में, और ये पैचेज के रूप में होते हैं बेटा, हम बताएंगे पांच पैचेज ऐसे हैं बच्चे जो पूरे विश्व के महासागरों में चिन्हित किए गए हैं, मैं बताऊंगा बेटा, संग्रहण है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें कि इन्हीं देशों से बच्चे और कुछ अन्य देशों से मिलकर जो ये प्लास्टिक है बेटा, ये महासागरों में प्रतिवर्ष लगभग बेटा, महासागरों में प्रतिवर्ष, ध्यान से देख लेना बेटा, महासागरों में, महासागरों में प्रतिवर्ष बच्चे, प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख टन, लगभग कितना बेटा, 8 लाख टन कहां पहुंच रहा है, महासागरों में पहुंच रहा है बच्चे, 8 लाख टन बेटा महासागरों में पहुंच रहा है, ठीक है सर। और ये जो प्लास्टिक होती है बच्चे, अब इस प्लास्टिक में आपको पता है बोतल होता है बेटा, पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन होती है बच्चे, और बेटा फिश नेट होता है, मछली पकड़ने वाला जो नेट होता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, फिश नेट होता है बेटा, ठीक है बेटा। और बच्चे अदर ऑब्जेक्ट भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे अदर ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो बच्चे सागर में प्लास्टिक के आइटम होते हैं, पॉलीथीन या पॉलीमर से बच्चे संबंधित जितने भी आइटम होते हैं। अब ये लोग बच्चे लगभग 8 लाख टन ऑब्जेक्ट बच्चे पहुँच रहे हैं कहाँ, महासागरों में, और
हमने कहा था कि पॉलीमर को नष्ट नहीं किया जाता और पॉलीमर का रिसाइकिल किया जा सकता है। तो जब ये सारी अभी आप लोग रोड का एग्जांपल ले लेते हैं सर, रोड पर देखते हो गाय वगैरह घूमती है ना शहरों में सर, तो वो क्या करती है बच्ची, कुछ प्लास्टिक के आइटम खा लेती है। तो जब अंदर चला गया मनुष्य के बेटा ध्यान जानवर के, तो मान लो सर जो जानवर बेटा अंदर खा रहे, जैसे मछली भी हो गया बेटा, मछली का सेवन हम लोग भी करते हैं, तो जब सागर से मछली पकड़ कर आएंगी और अगर सागर में प्रदूषण है बेटा, तो आपको पता है ये सारे पार्टिकल्स जमा कर ही तो लाएंगी। अब पेट फाड़ कर या तो देखें बच्चे अंदर क्या मिल गया, तो मिल गया, नहीं तो कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो हमारे बॉडी में इंटर कर जाएंगे। हम बताते हैं बच्चे कैसे ये होगा, तो लिख लेना प्रतिवर्ष बच्चे 8 लाख से ज़्यादा प्लास्टिक पहुंच रहा है बोतल के फॉर्म में, पॉलीथीन के फॉर्म में, फिश नेट मछली पकड़ने वाला करंट नेट होता है बेटा, पॉलीमर से संबंधित जितने भी अदर ऑब्जेक्ट होते हैं ये सारे के सारे बच्चे चले जाते हैं। और जब ये जाएंगे बेटा तो महासागर में एक जगह बच्चे, महासागर में एक जगह है, एक जगह बच्चे ये पैच बन के रूप में हो जाएंगे, संग्रहित हो जाएंगे बच्चे, इनका संग्रहण हो जाएगा। नदी वदी के किनारे आप लोगों ने देखा होगा कि सारा मलबा बह बह कर बेटा, ठीक है, क्योंकि नदियों का पानी का लगातार फ्लो होता है, तो एक साइड में वो इकट्ठा होती चली जाती है बेटा, ठीक है। और वहां पर कोई जाएगा भाई तो प्रदूषित तो होगा ही होगा, देखा होगा बच्चों ने नदियों में, महासागर में तो भी नहीं देखा होगा आप लोगों ने। अब ध्यान से देखिएगा सर ये कैसे टूटता है, कैसे बनता है, अगर प्लास्टिक को जला दिया जाए बच्चे, प्लास्टिक को जलाया जाए यानी कि अगर प्लास्टिक के पास टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ये पार्टिकल्स में टूट सकती है बच्चे कि नहीं टूटेंगे, तो आप बोलोगे यस सर टूट जाएंगी बच्चे। अब यहां पर देखो बच्चे, जैसे मान लो एक कोई ये एरिया है, ठीक है सर, और यहां पर क्या हुआ सर, बहुत सारे बच्चे प्लास्टिक के आइटम इकट्ठा हो गए, संग्रहित हो गए। अब ये बताओ पैचेस बना कि नहीं बना बेटा, संग्रहण हो गया, ठीक है, क्या हो गया, संग्रहण बन गया बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देख लो यहां पर, अब जब भाई ये संग्रहण बन गया तो ध्यान से देखिएगा इसी पर तो बच्चे सनलाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी, सूर्य की बच्चे किरणें पड़ेंगी, ठीक है बच्चे। जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी बेटा किस पर, इस पैचेज पर पड़ेंगी बच्चे, तो ये जो पैचेज होगा बेटा सनलाइट के कारण, सनलाइट के कारण बेटा ये पैचेज बच्चे पार्टिकल में कणों में टूट जाएगा। कणों में क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स में टूट जाएगा बच्चे। जितना भी यहां पर बेटा पैचेज होगा, और किसका पैचेज होगा, तो आप बोलोगे सर प्लास्टिक का जो संग्रहण होगा यहां पर बच्चे, ये ऐसे लिख सकते हो बेटा सूक्ष्म, ऐसे लिख दो बेटा सूक्ष्म प्लास्टिक में, यानी माइक्रो प्लास्टिक बेटा में बदल जाएगी बच्चे, माइक्रो प्लास्टिक में क्या हो जाएगा बच्चे, ये सारा का सारा जितना भी पैचेज यहां इकट्ठा है बेटा बदल जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। और अब बच्चे अगर यहां पर कोई भी बच्चे, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, मान लो यहां पर कोई जीव था बच्चे, कोई क्या था बच्चे, जीव था, और यहां पर वो जीव बच्चे क्या ले रहा था, सांस। अब इनके कारण बच्चे यहां पर ऑक्सीजन में क्या आ गई, कमी आ गई बच्चे, तो ये जीव जो होगा ये बताओ यार सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी बच्चे, कोई भी ऑर्गन्स होगा बेटा। अब देखिए सर, अब ये जो सूक्ष्म पार्टिकल होगा, ये जो जीव होंगे बच्चे, जो ऑर्गन्स होंगे, इनका जो गिल्स होगा बेटा, गिल्स पर क्या जाएंगे, ये चिपक जाएंगे सर, और जब चिपक जाएंगे बेटा तो इनको सांस लेने में क्या होगी भाई, यही काम तो मैंने आपको पत्ती में बताया था, याद करो बच्चे, एक प्रदूषण में मैंने कहा था यहां पर स्टोमेटा होता है, और जब बच्चे उड़न राख आकर यहां पर बैठ जाती थी तो इनका जो बच्चे स्टोमेटा था, रंध्र था, वो रंध्र क्या हो जाता था, बंद हो जाता था, तो इन पत्तियों को भोजन बनाने में या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, और धीरे धीरे इस वनस्पति की क्या हो जा रही थी, मृत्यु हो जा रही थी। तो जो भी यहां ऑर्गन्स होगा, जब ये बच्चे सूक्ष्म पार्टिकल उसके गिल्स पर जाकर चिपक जाएगा तो इसे सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे इस जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी बच्चे, इस जीव की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी बेटा, ठीक है। और एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चे, यहां पर देख लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है, जैसे बात से मान लो
ये मछली थी बेटा, ठीक है, ये मछली थी बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर एक दिन बच्चे, अब देखो ये जो माइक्रो पार्टिकल्स है ना बेटा, ये इनके आसपास था बच्चे, ठीक है, ये इनके आसपास था बेटा, ठीक है। अब ये तो यार सांस के रास्ते से भी अंदर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा बेटा, सांस के रास्ते से ये माइक्रो पार्टिकल, मान लो ये पैचेस था बच्चे, सूर्य की किरणें पड़ी, ये छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में टूट गए और ये सांस के रास्ते से मछली के पेट में जाके गए, और इसी मछली को जब मनुष्य खाया तो देखो सर, ये जो आपका पैचेस था बेटा, आपके प्लास्टिक के पैचेस जो बने थे, इस बच्चे सनलाइट पड़ी, ये सूक्ष्म पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए और ये मछली के पेट में गए, मछली से मनुष्य में गए और मनुष्य से भी किसी ना किसी ऑर्गन्स में चला ही जाता है बच्चे। तो आप देख रहे हो कि एक इंसान गलती करता है, डस्ट को सागर में गिराता है, उसी सागर पर बच्चे जो पैचेस बनते इकट्ठा होता है, सनलाइट पड़ती है, मछलियां खाती हैं, मछलियों से ये इंसान तक भी पहुंच जाता है, यानी कि पानी प्रदूषित, मछली प्रदूषित और फिर मनुष्य भी प्रदूषित हो जाएगा। इन्हीं मछलियों को जो अन्य मछलियां खाती हैं बेटा, वो भी क्या हो जाएंगी, प्रदूषित हो जाएंगी बेटा, यानी बड़ी मछलियों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे जिस हिसाब से ये पैचेस बढ़ रहे हैं और प्लास्टिक की संख्या महासागरों में बढ़ रही है बच्चे, 2050 तक बेटा यहाँ पर जो मछलियाँ हैं, जो जीव हैं, इनसे ज़्यादा बच्चे आपके महासागर में क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा बच्चे। तो फिर महासागरीय जीव का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा बेटा, महासागरीय जीव का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात बताओ सबके समझ में आ गई कि नहीं आई। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है बच्चे। और ये जो पैचेज हैं बच्चे, विश्व में 5 संग्रहण का निर्धारण किया गया है, निर्धारण किया गया है, ठीक है बेटा, इसे हम कल पढ़ाएंगे सर, बस आज के लिए इतना ही बच्चे, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है बेटा। ओशियन आपका पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, बस पैसेज बता देंगे ना बच्चे कि अटलांटिक महासागर में कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक में कहाँ है, दक्षिणी में कहाँ है, हिंद महासागर में कहाँ है, और बच्चे आपका क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर में कहाँ है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे, आज के लिए।